a part of this wonderful afternoon. Of course, it's a brilliant franchise. फिर की बात करें, आपने इतनी सारी फिल्मों में एंटी हीरो प्ले किया है, फिर भी जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास एंड यू नो दैट यू आर प्लेइंग एन एंटी हीरो, आप क्या करते हैं उसमें कि हर बार यू कम अप विद समथिंग सो मेमोरेबल? जैसे इसमें भी आपके जो डायलॉग्स हैं, जो एंड में पंच है, तो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट दीशु ने लिखी और कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद गैंगस्टर मेरे अंदर ही है. आई मीन और लोगों ने काफी कहा भी था जब से मैं निकला था जेल से कि गैंगस्टर चाहिए तो, और ये पॉलिश गैंगस्टर है, खानदानी आदमी है, तो बहुत मजा आता है. Chitrangada, you're now part of this normal people. That's how we all are, aren't we? So what is playing a grey character cooler than playing a good character or a bad character outright? I think it's slightly more interesting when you are being real, you know, because if you're all the time good or all the time bad, ek to wo perfection gets a little boring after a point, and I think that's why this particular film is so interesting, and hum teesri tak yahan par shayad isliye pahunche hain, people have loved it so much because people enjoy watching the gray, you know, because I think those so many thousand shades of gray that we have are far more interesting than the black and white, and yeah, I think you will see that, you just saw that in the trailer. Yes. So yeah, Deepak sir ne gangster ki bhumika nibhai hai, vastav cult film mani jati hai, to aapke liye kya ek comfort zone tha is film mein kaam karna, क्योंकि आप गैंगस्टर की भूमिका बहुत फिल्मों में निभा चुके हैं? कंफर्ट लेवल मतलब या नो, आई थिंक आई हैव आल्सो बीन, आई डोंट थिंक मैंने आज तक, आई हैव टोल्ड यू दिस, बट आई हैव बीन अ बिट ऑफ अ फैन ऑफ हिम, सो यस, आई थिंक द थॉट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग, बट जैसा सब लोग कहते हैं, इज एब्सोल्युटली राइट दैट व्हेन आई वाज ऑन सेट्स विद हिम, आई थिंक इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव मेट, ही जस्ट मेक्स एवरीबॉडी सो कंफर्टेबल. And it's just been such a pleasure working with him. It's been wonderful. Chitrangada. I think producing, and he will agree, because ये भी एक, इन्होंने भी act करा है इस film के अंदर, और ये producer भी हैं, so I think he will also agree. Producing is completely different. Yeah. So next film, will you cast Sanjay Dutt? I should ask him, will he act with me in the next film? That should be the question. Baba, I want to know your experience in this movie as a gangster. It's been an amazing experience. I mean, जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे कि it's a very emotional character actually. तो एक मतलब दूसरे level का character है और मुझे बहुत बहुत मजा आया. I have a question. पैदा किया तो इनको actually मालूम. तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की जो सेट पे हुआ, जो टिशु ने कहा वैसे ही किया. और दूसरा सवाल क्या था आपका? जो शूट का प्रोसेस था जरा वो बताएं. शूट का प्रोसेस बहुत बहुत कंफर्टेबल था, थैंक्स टू राजू जी एंड राहुल. माहौल बहुत ही प्यारा, कोई टेंशन नहीं थी, कोई मजा आ रहा था सबको, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल. एंड टिशु सर, बाबा की एंट्री से कितना एनहांस हुई है ये फ्रेंचाइज, और इनके साथ काम करना कैसा है, अगर आप थोड़ा शेयर करें? और चाहत के लिए वो किस हद तक पहुंच जाता है, तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये गैंगस्टर का. तो बेसिकली मुझे बहुत मजा आया. सर एक सवाल और कि हाल ही में संजू फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखी यशराज स्टूडियोज में जाके, कैसी लगी आपको फिल्म? क्या कुछ कहना चाहेंगे रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में? सब लोग तारीफ कर रहे हैं रणबीर. संजय सर, रणबीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फिल्म. आई थिंक द फिल्म इज फैंटास्टिक. और राजू जी, राजू हिरानी एंड विकी कौशल, एवरीबॉडी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और जो सच्चाई है वो पेश की गई. सर एक छोटा सा सवाल और कि फिल्म में मीडिया बैशिंग काफी की गई है, इसकी चर्चा काफी हो रही है कि इसमें मीडिया की आलोचना काफी की गई कि आपकी जो इमेज थी वो खराब की गई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वी रिक्वेस्ट मीडिया टू कीप पोर्टेनिंग दिस फिल्म, दूसरी फिल्म के बारे में यहाँ पे प्लीज ना बात करें. सर अगर आप कुछ कहें.
Thank you. Thank you. More questions? Yes. From this side. वो कहते थे हीरो आया कि नहीं लेकिन हीरो आता ही नहीं था लेकिन हाँ मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा उनसे यस मैम संजय सर वी सी यू इन मेनी डिफरेंट रोल्स यू डिड भूमि विद अ डिफरेंट जॉनर एंड नाउ दिस विद अ डिफरेंट जॉनर सो व्हिच काइंड ऑफ जॉनर यू पर्सनली लाइक आई लाइक टू प्ले माय एज नंबर वन एंड आई लाइक टू डू कमर्शियल सिनेमा एंड आई लाइक All genres, action, comedy, jo bhi hai. Hello, so my question is, director sir, Rahul sir se. Baba ko dhyan mein rakhiye. Chitrangada. Aur uske liye kafi mushkil ho gaya tha wo thappad marna. But I made him do it, you know, I said ki marna hi padega. So I mean, I always loved Jimmy and he's a great actor. And I loved working. All right. जी यहाँ से एक सवाल है अखबार पढ़ता हूँ लिटरेचर पढ़ता हूँ तो जिंदगी का एक्सपीरियंस तो यही हो गया फिल्म मेकिंग उसके पहले जब नहीं था तो और एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से कुछ फिल्में बनाई अभी पढ़ के यहाँ से वहां से हमें बहुत मुझे बहुत ज्यादा सिंपल कहानी कहने आता नहीं है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मेरे में होता ही होता है तो इसलिए वैसे कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है बट इस वाले में सारे कैरेक्टर्स क्योंकि पहले से भी वही सिलसिला है कि बहुत ट्विस्टेड कैरेक्टर्स हैं और आजकल समाज ऐसा हो गया लोगों को ग्रे कैरेक्टर ज्यादा पसंद आ भी रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी दिस कमर्शियल अरे बहुत बहुत एक्टर्स हैं आई मीन सलमान अच्छा करता है आई थिंक रणवीर सिंह बहुत अच्छा करेगा आई थिंक इवन रणबीर अभी You know, I think वो body language वो सब है इन लोगों में and that's it. All right. सारे सवाल पूछ लिए मैडम आपने में. Okay, last eight. Take the third part. कितना मुश्किल या आसान था to convince this gentleman here to play the gangster in the third part? था the world of Sai Biwi gangster. हमने जब पहली दफा मैंने बात करी, हमारे पास कहानी भी नहीं थी. सिर्फ वर्ल्ड था साई बीवी और गैंगस्टर का और टिकमांशु का काम उनको बहुत पसंद था हम लोग एक फिल्म ऑलरेडी बना रहे थे तो एक कंफर्ट लेवल था और उसके बाद जैसे ही कहानी बनी इन्होंने तो पहले दिन से यहाँ कर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ऑल्सो आई थिंक बिकॉज अगर आप देखें तो गिनती के फ्रेंचाइज हैं हमारे इंडस्ट्री में कुछ 10-12 होंगे शायद तो उंगलियों में गिन सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेंचाइज है वो नाम के फ्रेंचाइज है टाइटल के फ्रेंचाइज है कहानी आगे नहीं बढ़ती और वो जहां से पिछला पार्ट खत्म होता है अगले किरदार बदल जाते हैं कहानी बदल जाती है तो इनको मालूम था कि ये वैसा फ्रेंचाइज नहीं है सही मायने में फ्रेंचाइज साहेब बीबी गैंगस्टर ही है तो और ये साहेब बीबी की दुनिया में उतरे और इनसे बड़ा गैंगस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता इन मे बी संजय दत्त द ह्यूमन बीइंग द पर्सन बातचीत हुई सेट पे इस बारे में आई एम श्योर हुई होगी Sanju and me go back into 90s and I've always loved this man, his incredible life and of course now we're all witnessing it. But he's always been the great person and the great friend that he was in 90s and so when we met after so many years on the set again, the magic was absolutely there. It was like we never really passed those years that we never met. It was all taking it back as if we were just together yesterday. So that I think that's amazing about Sanju, which was wonderful. He made me feel so comfortable and so loving, and it was absolutely great. And I'm absolutely thankful to, you know, be a part of this franchise again, which is absolutely a shocker because main Tishu ke paas chai pina gaya tha. Because I've always loved his work and I dad thodi bada li thi and I just went over there and then you know he while he was talking to me he said kuch photographs le li baat karte karte apne phone pe and then he and Rahul bhai suddenly sat together and one fine day I get a call that you know there's this movie that we're making and it's a franchise with Sanju and you are to play his younger brother so I say it's like almost like a dream come true you know I'm working with the best guys that I want to work with and I'm getting to play Sanju's younger brother so I think it was wonderful I'm thankful to Raju ji also
and everybody out here who's made me a part of this franchise. Thanks a lot. So, ki soch without dialogues, itne sare, somebody so memorable. इशू को मैं बहुत सालों से जानता हूं और साहेब बीवी गैंगस्टर में मैंने मुझे पहली बार मौका मिला था इशू के साथ काम करने का और मैं बहुत बड़ा फैन हूं इशू का. तो ये रोल मुझे मिला तो वैसे जब बताया गया तो ऐसे ही था कि साहेब का हंचमैन है. तो मैंने किया, मैं मुझे इशू के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, मैंने दिलो जान से वो रोल किया. इशू ने जैसा करवाया मैंने वैसे ही किया और बाद में उसका वो इम्पैक्ट आया वो डायरेक्टर का कमाल है और मेरा कुछ नहीं. साहेब बीवी गैंगस्टर में क्या है कि साहेब और बीवी तो मेरे कंपल्सरी ब्लाइंड है, वो तो होते ही. और गैंगस्टर बदलता रहता है, पहले रणदीप थे, फिर इरफान थे, अब बाबा हैं. सबसे मुश्किल जो होता है इन तीनों में रोल वो एक्चुअली गैंगस्टर का ही है, क्योंकि साहेब बीवी का सारे मोटिवेशन, उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट द सेम. और मेरा जो इस पिक्चर में गैंगस्टर है वो वैसा कोई गैंगस्टर नहीं, कोई रूथलेस बैड आदमी नहीं है. ये बहुत पेन लेके कैरेक्टर चल रहा है, किसी को बहुत बेनतहा चाहता है और फिर चाहत आपसे क्या करवाती है, किस लेवल पे लेके जाती है, उस किस्म का है. तो ऐसा ब्लैक गैंगस्टर नहीं है, वो कत्ता ही नहीं है, रुलाता ही है गैंगस्टर. और जहां तक इनके साथ काम करने का सवाल है, मतलब कईयों के साथ काम किया है मैंने भी, कई कहानियां सुनी थी, यार संजय दत्त के साथ काम करो, एक काम करना कि थोड़ा तुम पहले से कुछ शॉट्स ले लेना, वो आते नहीं टाइम आने. कुछ और कहानियां बताइए सर, खुद ही बता देते हैं सर कहानियां बताइए. ऐसा कत्ते ही कुछ नहीं था, एकदम वक्त पे. और सबसे अच्छी बात जो मैंने और किसी एक्टर में देखा, बिल्कुल मॉनिटर नहीं देखते ये. शॉट दिया और डायरेक्टर ने अगर ओके कर दिया तो कितना ये, मतलब इनको एतबार है डायरेक्टर पे कि इतनी फिल्म है कि हमसे तो सबसे, हम लोग सबसे सीनियर इंडस्ट्री में, पचास कितनी फिल्में की है. लेकिन कभी भी नहीं, अगर वो उन्होंने डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर पूरा एतबार है कि डायरेक्टर ने ठीक किया, कभी आके जो और एक्टर करते हैं यार एक बार दोबारा ले लेते हैं यहाँ पर मैं ठीक, नेवर, रियली अप्रिशिएट दैट. लोग एक और फिल्म कर रहे हैं साथ में, इसका नाम है टोरबास, इसकी शूटिंग किर्गिस्तान से करके हम लोग अभी लौटे हैं. बाकी तो क्या बोलूं, जैसे दिग्मांशु ने कहा कि बहुत मजा आया. और मुझे लगता है सबसे जरूरी जो चीज है फिल्म मेकिंग में कि जब तक आनंद आना चाहिए, वो मजा आना चाहिए. अगर टेंशन में आप फिल्म बना रहे हैं तो चलेगी नहीं. एंड दैट इज द रीजन कि कोई आउटसाइडर जब आते हैं तो आई थिंक किसी को भी मालूम पड़ जाता है बस से ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी. तो आप सब लोगों का गुड विशेस चाहिए. इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रोसेस मेकिंग दिस फिल्म.